हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक यूपीएस है जो कि कंप्यूटर के होते हैं पुराने वाले, और इसको अगर आप इन्वर्टर की तरह यूज में ले सकते हैं तो ये वीडियो को देखते रहें, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर इन्वर्टर की तरह इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि बिना लोड के यहाँ पे ये 5, 10, 15 मिनट में यूपीएस हो जाते हैं बंद। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इसमें क्या करना है जिससे यूपीएस बंद नहीं होगा, और इन्वर्टर की तरह जब तक बैटरी लो नहीं होगी तब तक ये बंद नहीं होगा। अगर चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये है इसकी पीसीबी। अगर इस तरीके की पीसीबी है तो उसमें ही ये करें, बाकी मैं एक जो लॉन्ग वाली पीसीबी आती है उसमें भी बताऊँगा कि उसमें कौन सा क्या करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें सेंसिंग मेन आईसी को सेंस मिलता है कि इसमें लोड हमारा नहीं है, या आप इसमें कम लोड देंगे जैसे एक बल्ब जला लिया या चार्जर लगा लिया तो वहाँ पे भी ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक किया है प्रॉपर, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चेक नहीं करा है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी आईसी लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं लंबी वाली आईसी लगी हुई है, और इस पर अगर हम इधर से देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस भी दिख रही है जिसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो R19 दिख रहा है, देख सकते हैं R19 जो कि यहाँ पर लगी हुई है, ये R19 ये लोकेशन है। अगर इसकी लोकेशन यहाँ पे है और कलर कोड की बात करूँ तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है भूरा काला काला भूरा भूरा यहाँ पर है। अगर इसकी पिन से कनेक्ट करूँ मैं तो ये हमारी 7 नंबर पिन से कनेक्ट होती है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 नंबर पिन से ये रही रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ गई हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे से इसका सोल्डर लगा हुआ है, इसको मैंने इस रेजिस्टेंस को लगा के चेक किया बैकअप तो ये 5 मिनट में ठीक बंद हो गया। और उसके बाद मैंने इसकी एक लैग ओपन करी है यहाँ से, ये देख सकते हैं यहाँ पे से, उसके बाद ये हमारा ओपन करने के बाद इसका मैंने बैकअप देखा तो काफ़ी देर तक ये हमारा बंद नहीं हुआ। सोच तो रहा था कि इसकी पूरी वीडियो बनाऊं जिसमें आप देख भी सकें टाइमिंग के साथ में, लेकिन अभी टाइम नहीं हो पा रहा है तो मैंने सोचा कि शॉर्ट में वीडियो बना देता हूं जिससे पता चल जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को आपने ओपन कर देना है इसकी एक लैग, उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, अपने बैटरी या कनेक्टर लगाने हैं। और यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हैं मैंने इसको इन्वर्टर की तरह यूज में ले रखा है, यहाँ पर ये मेरा बोर्ड है और इसके तरह यूज में ले रखा है, और ये प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है जैसे कि हमारा इन्वर्टर होता है। और इस तरीके का यूपीएस आप फेंके मत, इसमें बैटरी डाल दें और इन्वर्टर की तरह इसमें लोड दे सकते हैं। और बाकी मैं लंबे वाले बोर्ड में भी बताऊंगा कि वहाँ पे क्या करना है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि बहुत से लोग ये R19 रेजिस्टेंस को ही टारगेट करते हैं और इसको ही निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन सी रेजिस्टेंस कहाँ पे क्या करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।